अब हम लोग एक डिस्टिंक्शन्स देख लेंगे ड्राॅइंग एगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राॅइंग एगेंस्ट कैपिटल के ऊपर तो देख लेते हैं ऑफ डिस्टिंगशन क्या है वह डेबिटेड तो ड्राइंग एगेंस्ट प्रॉफिट जब हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से मत देखो जब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से हम ड्राॅइंग करेंगे उस समय पार्टनर का कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है तो ये जो था जब ड्राॅइंग होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से तो उस समय अगर पार्टनर कोई पैसा उठाएगा फॉर्म से तो कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा जब कैपिटल फंड से पैसा पार्टनर उठाएगा तो प्रॉफिट से अगर उठाएगा तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है यही वाला जाना लगेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू तो कैश या तो फिर बैंक ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि कैपिटल को डेबिट नहीं कर सकता है ठीक है कोई प्रॉब्लम है अच्छा अब देखो तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा इट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट अगर कैपिटल से पैसा ड्रॉ हुआ है तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करना होगा क्यों कारण कैपिटल जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है अगर लाइबिलिटी को घटाना है फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो कैपिटल को अगर घटाना है दैट इज लाइबिलिटी को अगर घटाना है तो कैपिटल को क्या करना है डेबिट करना है ठीक है अब जो उठाएगा टू कैश बैंक या तो फिर प्रोडक्ट जो भी है तो कैपिटल से अगर ड्राइंग होगा तो कैपिटल को डेबिट करना है ठीक है अच्छा उसके बाद पार्ट इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट होने वाला है उसका ही पार्ट ड्राइंग हो रहा है ठीक है ड्रॉइंग अगेंस्ट या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या होगा इट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल के एक पार्ट जो कैपिटल था वन लैख उसमें से एक पार्ट दैट इज टेन थाउजेंड ड्रॉइंग हो रहा है तो कैपिटल का पार्ट कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट में ड्रॉ होता है इफेक्ट इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वो थोड़ी ना कैपिटल से विड्रॉ हो रहा है कि कैपिटल घट जाएगा कैपिटल में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा और जो ड्राॅइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा इट रिड्यूस कैपिटल वो कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि पहले था वन लैख उसके बाद टेन थाउजेंड ड्रॉइंग हो चुका है तो बचा कितना तो कैपिटल कम हो चुका है ना इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उसको कंपेसेट करना है ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से तो इसलिए जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल उसको तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो रहा है इसलिए फर्दर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना नहीं होगा सो इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो ड्रॉइंग हुआ है इस ड्रॉइंग को कभी भी हम लोग कंसिडर करें, नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपिटिशन के समय कैसे इसका मतलब क्या हुआ ये जो हम ये जो रोशन उठाया था टेन थाउजेंड ये जो टेन थाउजेंड उठाया था रोशन टेन थाउजेंड थोड़ी ना कंसिडर हुआ था जब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन हो रहा था ये थोड़ी ना हो रहा था ये तो यूज नहीं हो रहा था मगर ये जो टेन थाउजेंड वो कैपिटल से उठाया इस टेन थाउजेंड को कंसिडर करना पड़ा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में जाके कंप्यूटेशन कर रहा था कैसे कैसे कंसिडर हुआ था कितना पहले वन लाख कैपिटल उसमें से टेन थाउजेंड माइनस करना पड़ा जो ड्रॉइंग हुआ था तो इसको कंसिडर इस जगह पे तो किया गया है तो इसीलिए बोल रहा है कि जो कैपिटल जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है उस समय जो भी ड्राइंग अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपटिशन के समय कंसिडर होगा ठीक है यही है ये सब डिस्टिंक्शन आ सकते हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूं ठीक है तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आ चुका है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है किसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है और क्यों चार्ज नहीं होता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स जब कैपिटल से किया जाता है और इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है सब कुछ क्लियर हो चुका है ठीक है